viewers, welcome to my YouTube channel Cooking with Hana. I hope you all are fine and enjoying my videos. Now I'm going to make my new dish. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं बनाऊंगी पसिंदों का सालन, जिसके लिए मैंने 700 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है. उसको मैंने बारीक काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं. इस तरीक़े से बिल्कुल बीफ का गोश्त काट लेंगे, बिल्कुल बारीक स्लाइस में. तीन मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसे काट लिया है. 2 टेबलस्पून खोपरा पाउडर लिए, इसे रोस्ट कर लिया था. 1 पाव दही लिया है. 15 बादाम लिए हैं. 2 टीस्पून मैंने खशखश लिए, इसको भी मैंने साफ़ करके भून लिया है. 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है. 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है. 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना और 3-4 हरी मिर्चें. 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है. कढ़ाई मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दी है, कढ़ाई प्रीहीटेड है. अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी. 1 कप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे. ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी. प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे. प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी. अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे 1 मिनट तक के मैं भूनूँगी. अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी. स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसे 1-2 मिनट तक के भूनेंगे. देखिए 2 मिनट तक इसको अच्छे से हम भून लेंगे स्पाइसेस के साथ. 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें पसिंदे शामिल करूँगी. अब इसके साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी. 7-8 मिनट तक के इसे मैं भूनूँगी. चूल्हा मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे और जलने नहीं देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा. देखिए मुझे 7-8 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए. मैंने जो अब खोपरे का, बादाम का और खशखश का जो पाउडर बनाया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी. इन तीनों को मैंने साथ पीस लिया है. और ये गरम मसाला है, गरम मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें. अब इसके साथ मैं इसे भूनूंगी. जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे उतना ज़्यादा ये मज़ेदार होंगे. इसे खूब भूनेंगे अच्छी तरह, 5-6 मिनट तक इसे भूनेंगे. देखिए मुझे इसे भूनते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं. अब मैं इसमें 1 पाव दही डालूंगी. ये मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है. अब इसमें 1 पाव दही शामिल करके इसे भूनेंगे, अच्छी तरह से इसे भूनेंगे. दही के साथ जब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए. जब इसमें ऑयल आ जाए फिर हम इसे गलने के लिए रख देंगे गोश्त को. अभी हम अच्छी तरह से भूनेंगे इसे दही के साथ. देखें इसे भूनते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है. अब मैं इसे पानी शामिल कर कर इसे गलने के लिए रख दूंगी. 2 गिलास पानी शामिल करके इसे गलने के लिए रख देंगे ढाप कर. देखें आधा घंटा हो गया, आधे घंटे तक मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था ढाप कर. आधा घंटा हो गया, गोश्त भी हमारा गल चुका है. अब मैं इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें शामिल करूंगी. धनिया पुदीना हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं 5 मिनट तक के ढाप के रख दूंगी. धनिया पुदीना डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ.
देखिए धनिया पुदीना हरी मिर्च शामिल करने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था ढाप कर। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मज़ेदार पसंदों का सालन तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसे और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।